नमस्कार साथियों, खिलखिलाती सुबह है ताजगी भरा सवेरा, फूलों और बहारों ने है रंग अपना बिखेरा। बस इंतजार है आपकी एक मुस्कुराहट का, जिसके बिना ये दिन है अधूरा। यही शुभकामना लिए मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल। दोस्तों, श्रावण मास यानी उत्सवों का मास, और इसी मास में सभी भाइयों व बहनों का सबसे खास दिन रक्षाबंधन भी आता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रेशम के रंगीन बिरंगे धागे बांधती हैं, जो राखी कहलाती हैं। लेकिन सिर्फ इन धागों को बांध लेना ही पर्याप्त नहीं, इन धागों को शक्ति तभी मिलती है जब इनके साथ रक्षाबंधन के मंत्रों को भी बोला जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों से रक्षा सूत्र आशीर्वाद का कवच बन जाता है, जो व्यक्ति की रक्षा करने में सहायक होता है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा होती है और व्याधियों व दरिद्रता दूर होती है। इसीलिए जब भाई की कलाई में राखी बांधे तो बहनों को रक्षाबंधन का मंत्र भी अवश्य ही बोलना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचलः माचलः। अर्थात, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बली को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो सदैव तुम्हारी रक्षा करे। इस मंत्र के बनने की भी एक अनोखी कहानी है, जिसमें इसका सार भी छुपा है। भगवान विष्णु ने वामन बनकर राजा बलि से दान में सब कुछ मांग लिया। तदंतर राजा बलि ने अपने भक्ति के द्वारा वामन भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मेरे साथ पाताल में निवास करें। लंबे समय तक भगवान घर ना पहुंचे तो माता लक्ष्मी दुखी हो गई और राजा बलि को दिए वरदान के बंधन से भगवान को मुक्त कराने के उपाय सोचने लगी। माता लक्ष्मी वेश बदलकर राजा बलि के पास गईं और राजा बलि को अपना मुंह भोला भाई बनाते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। राजा बलि ने जब राखी के बदले उपहार मांगने को कहा तो देवी ने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त करने का वचन मांग लिया। बलि ने भगवान को वरदान मुक्त कर दिया और माता लक्ष्मी भगवान के साथ वैकुंठ लौट आई। रक्षा सूत्र के इसी महत्व के कारण परंपरागत तौर पर राखी का त्योहार सदियों से मनाया जा रहा है। राजा बलि को राखी बांधकर लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बंधनों से मुक्त करवाया। इसी घटना को रक्षाबंधन के मंत्र के रूप में रचा गया है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, परंतु उससे जुड़ी हुई कई कहानियां हमारे पुराणों इतिहासों में मिलती है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि जब देव और दानवों का युद्ध हो रहा था, तब इंद्र युद्ध के लिए बृहस्पति के पास गए। वहीं बैठी इंद्राणी जब यह सब सुन रही थी तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर अपने पति के हाथ में बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति के प्रभाव से ही विजय हुए। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थी और रक्षा सूत्र बांधती थी। यह विश्वास था कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस लाएगा। राखी के साथ एक प्रसिद्ध कहानी और भी है। कहते हैं मेवाड़ की रानी पद्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमले की पूर्व सूचना मिल गई थी। रानी चूंकि लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मवती व उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंग अनुसार सिकंदर की पत्नी ने भी अपने पति के हिंदू शत्रु
पुरोवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरोवास ने भी हाथ में बंधी राखी की लाज रखते हुए अपनी बहन को दिए गए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महाभारत में भी रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक वृतांत मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई। राखी का धागा केवल अचेतन वस्तु न होकर भावनात्मकता का प्रतीक है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते को सदा जीवित रखता है और प्रेम में बांधे रखता है, साथ ही एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास, आशा और बलिदान को बढ़ाता है। सभी भाइयों व बहनों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुभ रक्षाबंधन। नमो नमः।